नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एमपी के शाजापुर में सरकार का बड़ा एक्शन। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। जी हां, बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम लगातार गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। बता दें कि अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। दरअसल शाजापुर जिलाधिकारी का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वह एक बैठक के दौरान एक ड्राइवर से आपत्तिजनक बातें बोल देते हैं। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने के बाद जिलाधिकारी किशोर कन्याल ने इस बात के लिए अफसोस भी जताया। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवर्स एसोसिएशन की बैठक बुलाई थी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा, मैं साफ कह रहा हूं, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। इस पर एक ड्राइवर ने कलेक्टर को कहा, अच्छे से बोलो। इतने में कलेक्टर गुस्सा हो उठे और ड्राइवर से आपत्तिजनक शब्द कह दिए, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए उन्हें तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है।